कपालभाति प्राणायाम। सामान्य गति से मध्यम गति से अथवा तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अद्भुत प्राणायाम है। इससे पूरी बॉडी का इंटरनल व्यायाम हो जाता है। ये इंटरनल एक्सरसाइज है। यूट्रस में फाइब्रोसा, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, ओवम पुराना बनता हो, पुरुषों को स्पर्म पुराना बनता हो, रिप्रोडक्टिव ऑक्सक्रेटरी डाइजेस्टिव स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक हाइपोथैलेमस ऑटोमैन सिस्टम वॉलंटरी सिस्टम ऑटोनम सिस्टम। एक एक स्टेम सेल टिश्यू से लेकर के पूरे ऑर्गेन्स पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है प्राणायाम से, ऑर्डर में आ जाता है प्राणायाम से। बहुत अद्भुत है कपालभाति प्राणायाम। मैंने कपालभाति प्राणायाम का लाभ देखा है हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया, दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, जेनेटिक चेंज आ जाता है। मैंने जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक हेपेटाइटिस, जेनेटिक कैंसर जैसे रोगों को आप मिटा सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को मिटा सकते हैं, और डीजेनेटिव सेल्स को रीजेनेट करके आप बुढ़ापा से दोबारा जवानी पा सकते हैं, और सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस करके पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है। योग में मैंने कहा 99% यदि किसी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ होता है तो वो प्राणायाम है। प्राणायाम में भी सर्वाधिक लाभ दो प्राणायामों से होता है, कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। और यही कारण है कि आज करोड़ों लोग इनको अपना रहे हैं, हम सब कर सकते हैं।